हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज आईक्यू साइंस। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वैकेंसी डीआरडीओ में निकली है और इसमें टोटल 1817 पोस्ट निकली है। जो इसका रिक्रूटमेंट है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी तक होगी। ये जो पोस्ट है ये एमटीएस की है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं ओनली फिर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th पास हैं या फिर आपने आईटीआई किया है 10th की जगह, फिर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका 10th है। 23rd सितंबर से स्टार्ट होगा और 23rd जन 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप केयरफुल रहना, जब भी ये फॉर्म निकलता है आप इसे फिल कर देना। मैं जो इस वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, एससी में 163 है, एसटी में 114 है, ओबीसी में 503 है, ईडब्ल्यूएस में एस में 188 है, यूआर में 849 है। टोटल जो है 1817 पोस्ट है। जो इसका पे स्केल है, जो सैलरी है इसकी लगभग 23,000 के आसपास होती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 तक ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए आपको पता है 3 इयर्स का और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि वो अगर 18 से 28 तक हैं ओबीसी वाले तो इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं, जो एससी और एसटी वाले हैं उन्हें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो अगर 18 से 30 साल तक हैं फिर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है वही कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और एससी के लिए 5 इयर्स का है। जो इसका एग्जाम सेंटर है वो कुल मिला के 42 जगह पे लगेगा। ये अलग अलग सिटीज़ में लगेगा, 42 सिटीज़ हैं। इनमें से आपको किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये देंगे। उसके बाद जो इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस है, इसमें 2 CBT एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो CBT 2 होगा उसके थ्रू आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले आपका CBT 2 होगा, अगर CBT 1 आपने क्वालिफाई किया तो उसके बाद CBT 2 होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो CBT 1 का सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। जो रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। ये CBT 1 का है। इसके बाद जो CBT 2 होगा यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जनरल साइंस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, उसके बाद जनरल मैथ आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो जो CBT 1 है उसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और जो इसकी टाइमिंग है वो 90 मिनट्स है CBT 1 की। ऐसे CBT 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और जो टाइमिंग है इसकी 90 मिनट्स है। और CBT 1 और CBT 2 में सिलेबस चेंज है। CBT 2 में जनरल साइंस आ गई है, मैथ है और इंग्लिश है, तो ये आप देख लेना। जो CBT 1 में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है Tier 1 के लिए यानी कि CBT 1 के लिए 40% है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 35% है एसटी और एससी के लिए। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के मार्क्स के थ्रू होगा। जो मैथ में इसमें अर्थमेटिक भी मैथ आएगी और
एडवांस मैथ भी आएगा, जैसे कि आप एसएससी में पढ़ते हैं ऐसे ही इंग्लिश जो है एसएससी वाली आएगी। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो 10th तक की करनी होगी, और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर ये सभी टॉपिक इसमें जनरल अवेयरनेस में कवर होंगे। तो जो ये एग्ज़ाम जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 23rd दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो 23rd दिसंबर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 817 वैकेंसी है। जो फीस है इसकी वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ हैं, और एससी एसटी और लेडीज़ के लिए और सभी कैटेगरी के लिए ये फ्री है। इसमें बस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का ये फॉर्म है। सो थैंक यू एवरीवन।